जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल को, मेजर पॉइंट में सब दोस्तों को खुशामद करता हूँ। बड़े दोस्तों ने कहा हुआ था कि जी हमें अच्छे कबूतर ढूंढ के दें, तो हर बार तो मेरी कोशिश होती है अच्छे कबूतर की जो काम करें। काफ़ी दोस्तों ने बैक रिपोर्टें भी दी हैं कि जी अच्छे उड़े हैं आपके दिए हुए, तो चले अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक इज्जत देने वाले। तो दोस्तों आज 2 तारीख है और पीर का दिन है, वीडियो लगा रहा हूँ। बड़े दोस्त कहते हैं ये आप डेट और दिन आप बताया करें, फिर इजी रहता वीडियो में, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ना मैंने गिनती तो नहीं की है कबूतर कितने हैं, सिर्फ कलर लगा के निशानियाँ लगा के छोड़ दिए थे। तो इनमें मोर वाले कबूतर भी हैं, ठीक है, देने इकट्ठे ही होते हैं आपको पता है। तो आए आपको शौक भी करवाते जाते हैं और एंड पे हम गिनती भी कर लेंगे कितने परिंदे हैं। तो आलमोस्ट कोई 12 मिनट के ऊपर जो है नीचे ऊपर या नीचे वीडियो बनेगी, तो काइंडली मेहरबानी करके पूरी देखिएगा ताकि आपको परिंदों का पता चल जाए कौन कौन से परिंदे हैं। एंड पे आपको चलते फिरते भी दिखा देंगे। तो हम इस कबूतर से अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। ये माशाल्लाह टैडी और मेरा ख्याल है दूसरा पर इसमें सियालकोटी होगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा और क्वालिटियाँ भी बहुत अच्छी हैं इस कबूतर की। मोर लगी हुई है कबूतर को। ये पीछे जो लाहौर में बारिशें होती रही हैं ना, बारिशों के दिनों में जो बाजियाँ उड़ी हैं ये उनमें गिरा हुआ कबूतर है। थोड़े पर भी ख़राब हो गए हैं। ये माशाल्लाह कबूतर का पर कुंदा चेक कर लें आप, लेंथ चेक कर लें पर की, ठीक है। और इसको जो मोर लगी है ना दोस्तों, दुम भी देख लें, बिल्कुल एक बंद दुम, ये मोर लगी हुई है इसको, ये देख लें जी, ये मोर लगी है इस कबूतर को। और ये इस कबूतर का माशाल्लाह फुल कलर और स्ट्रक्चर माशाल्लाह देख लें जी। दोस्तों एक और मादी का शौक कर लें आप, ये भी टेडी क्रॉस में से ही है, ठीक है। बड़े दोस्त भाई ना मुझे नर मादियों का पूछते हैं कि जी नर कितने और मादियाँ कितनी, यार इतना मैं नहीं नोट करता इस चीज़ को। मुझे नर मिले मैं नर ले आता हूँ, मादियाँ मिले मैं मादियाँ उठा लाता हूँ, जहाँ से जो मिल जाए, लेकिन कोशिश करता हूँ अच्छा हो। ये पा रहा है माशाल्लाह इसका, ठीक है। और इसको जी दो मोरें थी लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मिट गई हुई हैं, एक ये ब्लू और एक ये ग्रीन, ठीक है, दो थी लेकिन थोड़ी थोड़ी दोनों ही मिट गई हुई हैं। बाकी माशाल्लाह बॉडी और जिस्म वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ मादी का जी। दोस्तों ये एक और कबूतर का शौक करें, ये भी क्रॉस में से ही बना हुआ है। जितने भी लाहौर की कबूतरबाजी है ना कहीं टैडी पर लाजमी होता है। ये इसका पर है जी, ये देखिए माशाल्लाह पर की लेंथ देख लें, बगल देख लें, जो भी आपके सामने है जी। और एक इस पर पे ये मोर है जी, सबसे इधर वाले पर पे, ठीक है। और एक इधर है, दो मोरों पे ये कबूतर है, ये देख लें जी दोस्तों, एक ये सबसे इधर वाले पर पे, एक सबसे इधर वाले पर पे, दो मोरों पे है ये कबूतर जी। दोस्तों एक ये गोल्डन पट्टी का शौक करें, कलियों में अभी ये शौक कर लें आप। थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी कमज़ोर है, मतलब जैसे वो उड़ान में लगे हुए कबूतर होते हैं और आगे और आपकी ज़रूरत होती है वैसे ही। ये देख लें, ये बाहर के चार चार पर रहते हैं, ये कलियों में पट्टी है अभी। और ये इसको मोर लगी हुई है रेड कलर की, काले पर के ऊपर रेड कलर की मोर लगी हुई है इसको। वैसे तो मैं बहुत कम बच्चा लेता हूँ इस तरह, लेकिन मोर लगी हुई थी, मैं कहा फिर उड़ा ही होगा। ये देखें ये पट्टी है जी। दोस्तों एक ये और पट्टी का शौक कर लें, इसको अंगूठा लगा हुआ है, ठीक है। ये एक दोस्त ने ना रात के टाइम पकड़ी थी और उसके नीचे ब्रीडर सेटअप पे उतरी हुई थी, ये अंगूठा लगा हुआ है ये, ठीक है, ग्रीन कलर का अंगूठा लगा हुआ है इसको। और ये इसको पट्टी का कलर है जी। दोस्तों अभी दूसरे कबूतर है, जिनको तो मैंने देख लिया था ना मोर लगी हुई है, उनको मैंने थोड़ा सा हटके कलर लगा लिया था। तो ये जी अब दूसरे कबूतर आपको शो करवाता हूँ, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। टैडी कबूतर है जी,
ये इसका माशाल्लाह पर देख लें, पर कुंदा देख लें आप, परों की लेंथ देख लें माशाल्लाह, ठीक है। ये इसका फुल कलर जी दोस्तों, ये पट्टी है जोनसीरी टैडी, टैडी कबूतरों में सही है ये भी। ये देखिए जी, ये इस पट्टी का आइस क्लोजअप, ये इस पट्टी का पर की लेंथ देख लें, बगल देख लें, ठीक है। दुम छोटी सी है पीछे बिल्कुल, ये इसका भी कलर जी दोस्तों। ये एक और कबूतर का शो कर लें, टैडी कबूतर है जी, ये इसका आइस क्लोजअप माशाल्लाह, ठीक है जी। ये इसका पर है जी, बगल देख लें, ये फुल मैंने पर खोल दिया हुआ है, बगल अभी तक इधर ही है, यही पॉइंट होते हैं भाई कबूतर के। ये ले ली जी दोस्तों, ये एक और कबूतर का शौक कर लें, ये भी टैडी कबूतरों के क्रॉस में सही है, ये इसका आइस क्लोजअप, ठीक है। ये नए परों पे लैस हुआ कबूतर बिल्कुल, ठीक है जी। ये इसका फुल कलर जी दोस्तों, ये एक और पट्टी का शौक करें आप, ये भी टैडी कबूतरों के क्रॉस में से ही बनी हुई है, ठीक है जी। ये जी पार इसका, ये माशाल्लाह पार देख लें आप, ठीक है। ये इसका फुल कलर जी दोस्तों, ये अब कुछ लाल आंखों वाले भी हैं इनमें कबूतर, ये अब गोल्डन कबूतर है माशाल्लाह, इसको नंबर भी लगा हुआ है, ठीक है जी। ये इसका आइस क्लोजअप देख लें, ये इसका पर देख लें माशाल्लाह, पर की लेंथ, पर की हाइट आपके सामने है जो भी है, ये इसका फुल कलर जी दोस्तों। ये एक और गोल्डन कबूतर का शो कर लें आप, ठीक है। ये इसका आइस क्लोजअप है, ठीक है जी, ठीक है। अब आपके सामने है, लाल आंखों वाले भी हैं, टेडी भी हैं, लोग ब्रीडर बना लेते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं अच्छे से अच्छा कबूतर दोस्तों को उड़ने के लिए दूं, उड़ाने वाले कबूतरों में। ये इसका पर देख लें आप, ठीक है। ये इसका फुल कलर है जी दोस्तों, एक ये पट्टे का शो कर लें, टेडी कबूतरों के क्रॉस में से बना हुआ है ये, ये देखें, ठीक है। और ये इस माशाल्लाह इसका पर देख लें आप, पर थोड़े पुराने भी हैं, नए भी मतलब निकाल रहे हैं। ये इसका फुल कलर जी दोस्तों, सेबे वाला चीना कबूतर है, उस्ताद चौधरी सफ़ी भट्टी साहब वाले कबूतरों में से। ये इसका आइस क्लोजअप, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है जी। आपको पता है हल्का सा टैडी आ जाए तो वो, और लाल आंखों का आ जाए तो वो जोड़ों वाला हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं जितना अच्छा कबूतर ला सकूँ। ये माशाल्लाह इसका पर देख लें आप, पर की लेंथ देख लें, बगल देख लें, सब आपके सामने है। मेरी कोशिश होती है मैं जितना अच्छा कबूतर ला सकूं ताकि दोस्तों के काम आए। ये देख लें जी, ये इसका फुल कलर है, बाकी आपको चलते फिरते दिखाता हूं, और अगर कोई पांच सात रह गए तो वो मैं वैसे छोड़ देता हूं हल्का हल्का दिखा के जी दोस्तों। कमगर मादी है लाल आँखों की, ये इसका इस क्लोजअप देख लें। मैंने कहा एक लास्ट मादी पकड़ के दिखाता हूँ, बाकी मेरे ख्याल तीन या चार ही रह गए हैं, वो भी लाल आंखों के क्रॉस में से ही हैं। एक सुरख लाल आंखों की पट्टी है, फिर वैसे छोड़ के ना तो हम आपको शो करवा देते हैं चलते फिरते। ये इसका पर देख लें माशाल्लाह, पर की लेंथ, बगल आपके सामने, ये इस मादी का फुल कलर है जी पट्टी जी दोस्तों। ये आप शो कर ले, ये जिनके पोटे पे कलर लगा है ना हल्का हल्का, जैसे ये फर्स्ट पे है, ये दो मोर वाली है, ये थर्ड नंबर पे अंगूठे वाली है, ये बच्चा है, ये आगे भी मोर वाली है, ये आगे डबल मोर वाला,
इस तरह करके ये मेरे ख्याल से 4-5 या शायद मे भी 6 पीस हैं तकरीबन मोर वाले। ठीक है, ये आप शौक कर लें, अभी कबूतरों का चलते फिरते आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये शौक करते जाएं आप, ये चीना सेबे वाला माशाल्लाह शौक करें और स्ट्रक्चर देखें इसका। ये एक मगर मादी जो एंड पे छोड़ी थी, ठीक है जी, ये बाकी सारे कबूतर हैं। ये अंगूठे वाली मादी है जिसको अंगूठा लगा हुआ था, और ये पट्टी अब ए मादी एक छोड़ी है अभी, ये कबूतर एक छोड़ा है। ठीक है जी, ये आप शौक करते जाएं, तसल्ली से शौक करें आप, आपको इसी तरह चलते फिरते तसल्ली से आपको कबूतरों का शौक करवाना है। ठीक है जी, एक ये मत कबूतर है, ठीक है, ये भाई ने 4:30 बजे पकड़ा था, और माशाल्लाह ये कबूतरों के आप स्ट्रक्चर देख लें आप सामने हैं। इसी तरह ही आपको ना कोशिश करता हूँ तसल्ली से सभी कबूतर दिखा दूँगा जी। दोस्तों तसल्ली से आप शौक करें, आपको शौक करवाना है। ठीक है, ये आप चलते फिरते तसल्ली से आप शौक कर लें कबूतर। ये एंड पे मादी छोड़ी है जिसको हल्का सा ग्रीन कलर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये देख लें आप ये सारे कबूतर। कुछ चीने सेबे वाले की स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, स्टैंडिंग दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रक्चर का मालिक है कबूतर ये, अगर उड़ा ना यहाँ से तो। ये देखें माशाल्लाह, ये है जी चीना सेबे वाला कबूतर है, उस्ताद चौधरी सखी भट्टी साहब वाले कबूतरों में से। ठीक है, ये अकेला हो गया, अब देखते हैं सीधा होता कि नहीं उड़ गया। बाकी जी ये चेक करते हैं, शौक कर लें। ठीक है जी, 18 पीस हैं जी टोटल, 18 पीस हैं टोटल, ये 18 पीस हैं। जिस भाई को भी चाहिए हो, जिस भाई की समझ में आए वो रबता कर ले। लोकेशन मेरी लाहौर है, कार्गो अवेलेबल है, आल पाकिस्तान है। इस मादी को भी अंगूठा लगा हुआ था दुम पे। ठीक है, ये गोल्डन कबूतर माशाल्लाह। ठीक है जी, और काफ़ी दोस्त कहते रहते हैं यार सही भाई आप सैटरडे संडे ही लाते हैं कबूतर, तो वीक में भी लाया करें। तो इंशाल्लाह अभी जी कोशिश है, एक भाई से बात भी हुई है कबूतरों की, वो अब देखें कब टाइम देते हैं, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से भी लेके आएंगे। तकरीबन कोई 13-14 पीस होंगे। ठीक है, ये देख लें जी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने है जी। दोस्तों कोशिश तो काफ़ी किया आपको ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर दिखाने की, एंड पे 3 या 4 रह गए थे जो नहीं दिखा सका। तो जिस भाई को भी समझ में है वो रबता कर ले, टोटल 18 पीस हैं ये, और लोकेशन लाहौर है, कार्गो अवेलेबल है, नंबर हर वीडियो पे होता है। प्राइस एंड तक यार कोई भी नहीं देखता, बड़े दोस्त हर वीडियो में मुझे यही कहते हैं जी आपने प्राइस नहीं बताई, तो प्राइस तो मैं एंड पर बताता हूँ। बाकी खैर जिसको समझ में आए वो रबता कर ले, प्राइस इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर हमारे अल्लाह हाफिज़।